हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग एंड स्पाइसेस। आज हम बनाएंगे काला चना चाट। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो अपनी वेट लॉस जर्नी में आप इस रेसिपी को शामिल कर सकते हैं। ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है और ऑयल फ्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो काला चना चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो काले चने आते हैं उन्हें रात भर सोक करके रखा हुआ था। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप काला चना लिया है। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उतने चने ले सकते हैं। हाफ कप चने में इतनी क्वांटिटी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, रात भर हमने जिस पानी में इन्हें भिगो कर रखा हुआ था उस पानी को हमें हटा देना है, ड्रेन कर लेना है इन चनों को। तो बॉईल करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन से वाले चने मैंने यूज़ में लिए हैं। तो इस तरीके के काले चने आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएंगे। तो इन्हें सॉक करने के बाद में आप देख सकते हैं चने जो है वो अच्छे फूल चुके हैं और इनका कलर भी लाइट हो गया है। तो अब हम इन्हें प्रेशर कुकर में डाल देंगे और करीबन एक गिलास मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। चने पूरे भीग जाने चाहिए पानी में और इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। तो हाफ टी स्पून सॉल्ट मैं इसमें डाल रही हूँ, इससे चनों में अच्छा सॉल्टी टेस्ट आ जाएगा। तो इसे मिक्स कर लेने के बाद में अब हम इन्हें कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 विसिल ले लेंगे। उसके बाद में हम प्रेशर कुकर को ओपन करेंगे और हमारा चना चाट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का बोल ले लिया है और जो चने हमने बॉईल किए थे उन्हें मैंने निकाल लिया है। पानी सारा ड्रेन कर देना है हमें। तो चने को हमें इतना बॉईल करना है कि जब हम इसे प्रेस करें तो ये इजीली दब जाए। अब हम इसे बड़े बोल में शिफ्ट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 मीडियम साइज का टमाटर जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो जैसा कि हम वेट लॉस के लिए इस रेसिपी को बना रहे हैं तो बिल्कुल ऑयल फ्री इसे हम बनाएंगे। इसमें हम रॉ वेजिटेबल्स यूज में लेंगे। और इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 बॉयल पोटैटो जिसे मैंने चॉप कर लिया है। और इसी के साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा अनारदाना। ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा हमें डालना है। अनारदाने से हमारी जो चाट है उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। जब ये दाने मुँह में बर्स्ट होते हैं तो बहुत अच्छे फ्लेवरफुल लगेंगी पूरी चाट। और इसके अलावा मैं इसमें थोड़ा सा जिंजर डाल रही हूँ। तो जिंजर जो है वो वेट लॉस में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये भी हम बस थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो इसे मैं एक ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर रही हूँ। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टी स्पून चाट मसाला, क्योंकि चनों को बॉईल करते टाइम भी हमने इसमें सॉल्ट डाल दिया था, इसलिए हम चाट मसाला कम डालेंगे इसमें। और इसी के साथ में मैं इसमें 1/4 टी स्पून ब्लैक सॉल्ट डालूंगी, क्योंकि जो नॉर्मल व्हाइट सॉल्ट होता है वो अनहेल्दी होता है, इसलिए हम इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे। और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा रोस्टेड जीरा डाल रही हूँ जिसे मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। और इसके साथ में मैं इसमें थोड़े से सोक आलमंड डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें। और इसमें मैं फ्रेश हरा धनिया पत्ता डाल रही हूँ। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें 2 चीज़ें ऐड करना मैं भूल गई हूँ। तो लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच हींग। हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इस चाट में और साथ ही साथ ये डाइजेशन के लिए भी हेल्पफुल होती है। और 1/2 लेमन जूस हम इसमें ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये एक हेल्दी रेसिपी होने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी भी होती है। इसे आप अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे इवनिंग स्नैक्स में भी ऐड कर सकते हैं। और ये बहुत ही फिलिंग होता है, जो काला चना है उससे बहुत अच्छे से पेट भर जाता है, भूख नहीं लगती है बहुत देर तक। तो इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और ये रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आप चाहें तो इसमें कच्चा प्याज भी ऐड कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे सर्व कर देते हैं एक बोल में। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ब्लैक चना चाट इज रेडी टू सर्व। इसे मैं थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी। तो यहाँ पर मैं थोड़े से इसके ऊपर नमकीन डाल रही हूँ, ये बारीक वाली। तो ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते हैं ऑयल खाना तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। मैं बस इसे डेकोरेट करने के लिए इसके ऊपर डाल रही हूँ, इनसे ये देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगेंगे। तो बस थोड़ी सी ही मैं डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा चना चाट मसाला रेडी है खाने के लिए। तो ये एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप अपने वेट लॉस जर्नी में इसे शामिल करें। नॉर्मली हम वेट लॉस में ऑयल फ्री चीज़ें खा खा के बोर हो जाते हैं, तो इसे आप ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी है ये और हेल्दी भी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।